कैसे हो आप? ईश्वर की कृपा से आप सब अपने अपने स्थानों पर कुशल मंगल हो गए। मैं लता शर्मा अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने जो है यू, ये देखिए यू शेप का गला हम किस तरह से बनाएंगे, और ये देखिए मैंने इसमें पाइपिंग निकाली हुई है, ये देखिए इसमें फोल्ड किया हुआ है इसको, और इस तरह से ये देखिए सीधी साइड को बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गोटा ही हो। और ये जो है ये बॉर्डर जो इसमें, ये देखिए इसमें कुर्ती के नीचे है बॉर्डर, और मैंने जो है सलवार में भी ये बॉर्डर लाया हुआ है, आपको दिखाया था इसमें, ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें, ये देखिए सलवार में जो मैंने जो मेरी कली है जो बाहर को आई है जो कली है उनमें ये डिजाइन निकाला हुआ है। तो मैंने सोचा मैं गले में भी यही डिजाइन बनाऊँ, तो हम किस तरह से बनाएंगे, चौरस गले में बनाएंगे। कपड़ा मेरे पास बहुत कम था इसलिए मैंने इसमें देखिए इसमें ऐड कर दिया है पहले ही। आप चाहे तो बुकरम से पहले गला बना सकते हैं, ये जो है बहुत ही गर्म कपड़ा है और काफ़ी मोटा भी है, तो मैंने इसमें सोचा कि इसे इसमें कपड़े से ही ऐड करूँगी। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारा फ्रंट का है, फ्रंट की कुर्ती है उसे लेना है, और उसमें जो है गले का निशान लगाना है, जितना हमें चाहिए उतना ही हमने गले की कटिंग करनी है। मैंने जो इसमें कम से कम 7.5 इंच जो है लंबाई में लेना है और 2 इंच चौड़ाई में लेना है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना खुला गला आप पहनना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से ले लिया, यहाँ से मैंने ये देखिए 2.5 इंच का गला लिया है, और नीचे को मैंने पूरे 7.5 इंच का गला लिया इस तरह से, और चौड़ाई में मैंने 2 इंच का लिया इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से इसमें यू के शेप डाल दी। अब मैंने इसकी जो है कटिंग कर देनी है। आप देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब मैंने जो ये गला गले की कटिंग की हुई है देखिए, अब मैंने इसे इसमें ऐड करना है। ये मेरी उल्टी साइड है तो हमने इस तरह से सीधी साइड से लगाना है। इसमें हमने जो मिड पॉइंट है वहां पर भी हम निशान लगा देते हैं। आप देख सकते हैं हमने जो इसमें मिड पॉइंट में निशान लगा दिया है। अब हमने इस तरह से इसमें भी एक कट लगाना है, जहाँ पर इसका मिड पॉइंट आ गया वहाँ पर हमने जो है इस तरह से एक कट लगा देना है इसमें, और ये जो हमारा मिड पॉइंट है वहाँ पर हमने इस तरह से ये देखिए कपड़े को रखना है। पूरा कपड़ा हमने जितनी जो कटिंग की है बिल्कुल उतना ही है। अब हम इसमें जो है इस तरह से इसमें निशान इस तरह से इसमें सिलाई लगाएंगे बिल्कुल चौरस की तरह इस तरह से। सबसे पहले ये वाली सिलाई लगाएंगे इस तरह से, हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने इसमें क्या करना है, हल्के हल्के कट्स लगाने हैं इस तरह से, यहाँ पर थोड़ा गहरा लगाना है क्योंकि यहाँ पर कोना जैसा बना हुआ है, यू की शेप है, इसलिए यहाँ पर जो हमने ज़्यादा कट्स लगाना है। अब हमने क्या करना है इसमें, आप देख सकते हैं इसमें पहले हमने फोल्ड तो कपड़ा किया हुआ है देखिए, और इस तरह से हमने इसके ऊपर से जो है सिलाई डालनी है। आप चाहे तो इसमें इस तरह से पलटी मारकर जो सीधे से भी इस तरह से इसमें सिलाई डाल सकते हैं। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें जो है बिल्कुल यू के शेप का हमारा गला बन चुका है। अब हमने इसे इसमें जो है लेस जो हमने खुद हाथ से बनाई है वो किस तरह से ऐड करेंगे, सबसे पहले हम इस तरह से ये देखिए यहाँ से सिलाई डालेंगे, यहाँ से सिलाई डालेंगे। ओके, यहाँ से हमने बिल्कुल सीधी सिलाई ले ली है। अब हमने यहाँ पर जहाँ पर हमारा यू का शेप है वहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए अंदर को हमने लेस को अंदर को भर दिया है, और यहाँ से इस तरह से इसे बिल्कुल भी ऐड नहीं किया हुआ, जहाँ जितना हमें चाहिए यहाँ पर इस सिरे से उतने सिरे पर हमने इस तरह से इसे अटैच करना है। ओके, और इस तरह से हल्के से बिल्कुल इसे आराम से हमने अब सीधी इस तरह से हमने एक और सिलाई डालनी है, जहाँ तक हमारा ये देखिए यू शेप है वहाँ तक हमने एक और सिलाई डालनी है। अब यहाँ पर भी हमने सेम वही सिचुएशन करनी है जैसे यहाँ पर की है, हमारा बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल अच्छे तरह से सीधा बिल्कुल आना चाहिए। अब यहाँ से जिस तरह से हमें जितना हमें चाहिए उतना हमने अंदर को ले लेना है, और जितना हमें बिल्कुल बाहर को चाहिए उतना हमने बाहर को लेना है। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए यहाँ से हमने एक्स्ट्रा जो अभी हमने बिल्कुल भी इसे स्टिच नहीं किया है, जितना हमें चाहिए उतना हमने इस तरह से लेके
बिल्कुल सीधी सिलाई इस तरह से ऊपर को बिल्कुल सीधी सिलाई डालनी है। ये देखिए हमने बिल्कुल सीधी सिलाई डाल दी, आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह से जो है गला बन चुका है। अब हमने यहाँ से दूसरी सिलाई यहाँ से डालनी है बिल्कुल धीरे और बिल्कुल आराम से। अब यहाँ से ये देखिए यहाँ से हमने बिल्कुल बराबर रखना है। जब हम यहाँ पर आएंगे तो हमने जो है ये देखिए इसमें जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसे अंदर को फोल्ड कर देना है और यहाँ पर इसे पक्का कर देना है इस तरह से, इस तरह से, और एक और सिलाई इस तरह से डालनी है। अब हमने यहाँ से फिर बिल्कुल सीधी सिलाई लेनी है ताकि हमारे गले की फिनिशिंग जो है अच्छे से आए इस तरह से। और यहाँ से भी हमने बिल्कुल इसी तरह से ये देखिए हमने यहाँ से भी एक सिलाई डाल दी। अब हमने सेम अब यहाँ से बिल्कुल सीधा हमने ऊपर को सिलाई हमारी जो है ये देखिए आप देख सकते हैं गला बड़ा ही सुंदर बन गया। ये देखिए कितने ही सुंदर जो गला बन गया है और ऐसी लेस लग रही है जैसे रेडीमेड हो। यहाँ से धागे से इसको जो मैं कैंची से काट दूंगी। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं आपको इससे भी और अच्छी वीडियो शेयर कर सकूँ। थैंक यू।